अपना अपना नाम और परिचय बता दीजिए। सुदामा जी, आज डॉक्टर साहब क्या आए हैं, किस चीज का इलाज कराने आए थे? लीवर का। क्या दिक्कत थी, क्यों? मवाज था उसमें। इसके पहले भी कहीं इलाज कराए थे? बनारस। तो क्या वहाँ डॉक्टर क्या कहे? वहाँ एक लखनऊ गए। किस लिए? ऑपरेशन के लिए। तो क्या यहाँ भी ऑपरेशन से ही इलाज हुआ है, कैसे हुआ है? नहीं, यहाँ ऑपरेशन से इलाज नहीं हुआ। दवाई से लगी। कितने दिन लगे? 3 दिन लगा उसमें। और वहाँ क्यों 1 लाख लग रहा था, क्या कह रहे थे? ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे ना। क्यों, क्या कारण था ऑपरेशन करने का? मवाज बता रहे थे ना, 20 mm मवाज था, वो ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे। और यहाँ 2 महीने में जो है डॉक्टर साहब बिना ऑपरेशन का ठीक कर दिए। 20 mm मवाज समाप्त हो गई? आपको डॉक्टर साहब यही बता रहे हैं। आपको आराम है कि नहीं? आराम तो है। और जो एक्सरे कराए, अरे जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में क्या आया है? डॉक्टर साहब, एक आप सुदामा यादव जी का इलाज किए हैं जी। पता चल रहा है कि आप इस समय उनके इलाज को लेकर चर्चा में हैं, कि जहां लीवर के इलाज के लिए ऑपरेशन करने के लिए 1 लाख मांगा जा रहा था, वहां 3 दिन में भर्ती करके आपने उनका इलाज कर दिया। कौन सी जादू की दवा दे दिए कि उनका इलाज हो गया, और क्या मामला था, थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, जादू तो भाषा में होती है, और मरीज को डॉक्टर पे जो विश्वास होता है, वो विश्वास ही उसको जादू का काम करता है। दवाएं सभी करते हैं, जिसका विश्वास जहाँ है उसको वहाँ पत्थर में भी भगवान मिलने लगते हैं। रही बात ऑपरेशन की, तो किसी भी डॉक्टर के पढ़ाई विद्वता पे कोई कमेंट नहीं, वो जो अपना किए जैसे भी कहे हो मुझे नहीं मालूम। मेरे यहाँ ये आए बनारस से, इनको किसी ने बताया कि चले आइए, मैंने इनसे पूछा भाई कहाँ से आए हो, तो इन्होंने बोला सर मैं बिहार से आया हूँ, हमें ये प्रॉब्लम है। बहुत डरे हुए थे, बहुत सहमे हुए थे, इनके पास पैसे बता रहे थे सर नहीं है। हमने कहा तब सर किसी तरह मेरी जान बचाई, हमने कहा इसमें कुछ है ही नहीं, चिंता ना करो, 2-3 दिन एडमिट हो जाओ, और हमें लग रहा है मोटी मोटा 3 दिन के एडमिट में कितना लिए थे मैं आपसे? 7,000 रुपये इनका लिए थे। और फिर कुछ दिन दवा चली, आज कंजर्वेटिव इलाज हुआ, आज ये ठीक हो गए, आज की इनकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स है, सारे एब्सेस गायब, सब कुछ एकदम ठीक, कहीं कुछ नहीं, पेशेंट एकदम ठीक है, आज से इसकी दवा बंद की जा रही है। तो क्या ये ऐसा नहीं लगता है कि कुछ डॉक्टर भ्रम में डाल के मरीजों से उन्हें परेशान करते हैं? नहीं सर, इस विषय में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, सबकी पढ़ाई अपनी अलग है, सबकी विद्वता अलग है, सबकी चीज़ें अलग है। कोई दिल्ली हवाई जहाज़ से जाना पसंद करता है, कोई ट्रेन से जाना पसंद करता है, कोई बस से जाना पसंद करता है। अब ये निर्भर करता है उस यात्री पे कि वो किस चीज़ से जाना पसंद करता है। हो सकता है त्वरित उनको आराम देने के लिए उन्होंने ऑपरेशन की राय को अपनाया हो, इस पे मेरे किसी के डॉक्टर की पढ़ाई पे कोई कमेंट नहीं। मैं क्या हूँ बस मैं अपना बता सकता हूँ। ठीक।